दोस्तों, आज मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनाए जाते हैं। ऊर्जा के पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इन तीनों प्रकार के पिरामिडों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें खाद्य श्रृंखला बनानी होगी। कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र ले लो और उसका हम खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। और खाद्य श्रृंखला बनाने का जो शुरुआत की जाती है खाद्य श्रृंखला की, हमेशा उत्पादक से की जाती है। उत्पादक को रख कर फिर उसके बाद में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और फिर लास्ट में सर्वोच्च उपभोक्ता। इस तरह की हम खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। खाद्य श्रृंखला बनाने के बाद हम पिरामिड की शुरुआत भी कहाँ से करते हैं, उपभोक्ता से, उत्पादक से ही करते हैं। उत्पादक को ही आधार मानते हैं, तो उत्पादक से ही हम संख्या गिनते जाते हैं। क्या उसमें संख्याएं बढ़ती जा रही हैं उपभोक्ताओं की, तो उसको देखते हैं, तो संख्या का पिरामिड उसी आधार से बन जाएगा। अगर हम भार का देखें तो देखते हैं कि उत्पादक का भार बढ़ रहा है। उत्पादक से जब हम सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि भार बढ़ रहा है घट रहा है। तो जब भार बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उल्टा पिरामिड बन गया। अगर भार बढ़ता है तो सीधा पिरामिड बन जाता है। ऊर्जा का पिरामिड भी देखते हैं कि जो उपभोक्ता के पास जो ऊर्जा है वो सर्वोच्च उपभोक्ता के पास जाते जाते कितनी रह जाती है। तो ऊर्जा के पिरामिड तो सर्वोच्च उपभोक्ता के पास में ऊर्जा कम रह जाती है, तो हम देखते हैं कि यह ऊर्जा का हमेशा सीधा पिरामिड बनता है। तो इसी आधार पर हम तीनों प्रकार के पिरामिड बना लेते हैं। बस हमें खाद्य श्रृंखला बनाना आना चाहिए। खाद्य श्रृंखला में जो उपभोक्ता है, जो उत्पादक है उसको हम आधार बनाते हैं और जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उसको हम टॉप में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा, खाद्य श्रृंखला से पिरामिड कैसे बनते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।